इस गर्मी के मौसम में रोज़ रोज़ तला भुना खा करके जी कंटाल गया है और आप बनाना चाहते हैं कुछ नया नाश्ता, तो इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करें। एकदम सिंपल, एकदम टेस्टी, झटपट से बनने वाला स्वादिष्ट नाश्ता है ये। तो देर किस बात की, चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1/4 कप चावल का आटा। अब हम लेंगे 1/4 कप बेसन। अब हम लेंगे 1/4 कप गेहूं का आटा। अब इसमें हम लास्ट में लेंगे 1/4 कप सूजी। इन चारों को एक ही नाप से लेना है। अब इसमें हम लेंगे थोड़े फ्रेश धनिया के पत्ते, एक बारीक कटा हुआ प्याज, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, नमक लेंगे 1/2 चम्मच, 1/4 चम्मच हम लेंगे कलौंजी, 1/4 चम्मच हम लेंगे जीरा। अब हम एक आलू लेंगे कद्दूकस किया हुआ, जिसे हम अच्छे से धो लेंगे। अब इसे भी हम बाउल में डाल देंगे। उसके बाद हम लेंगे 1 कप पानी, और इसमें हम एक साथ पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका अच्छे से हम घोल तैयार करेंगे। देखिए इस तरीके से। ये देखिए इसका घोल अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसे हम ढक करके रख देंगे सेट होने के लिए, क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली है तो इसे सेट होने में 10 मिनट तो लग ही जाएगा। अब 10 मिनट बाद हम ढक्कन हटा लेंगे। ये देखिए ये बैटर अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम फटाफट से एक पैन लेंगे, या फिर आप तवे पर भी इसे सेक सकते हैं। मैंने पैन लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ब्रश की मदद से, और घोल को हम एक बड़े चम्मच की सहायता से पैन में डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम रखेंगे लो टू मीडियम। हम एक साथ 3 नाश्ते को सेक लेंगे। एकदम सिंपल सा नाश्ता है ये, झटपट से बन जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। ये देखिए इसे सेकते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। अब इस ऊपर से हम हल्का सा ऑयल लगा देंगे। अब इन्हें हम स्पैचुला की मदद से पलट लेंगे, ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से सिक जाए। ये देखिए कितने अच्छे से एक साइड से सिक चुका है ना, कितना सुंदर सा कलर आ चुका है इस पे। और इसी तरीके से हम एक एक नाश्ते को अच्छे से पलट लेंगे, और इन्हें हम दूसरी साइड से भी 5 मिनट के लिए सिकने देंगे, ताकि ये पकने के साथ साथ कुरकुरे भी बन जाए। ये देखिए 5 मिनट लगभग हो चुके हैं, अब इन्हें हम पलट लेंगे। ये देखिए दूसरी साइड से भी अच्छे से पक चुका है, कितना सुंदर कलर आ चुका है ना, ये देखिए। अब इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। एकदम सिंपल सा नाश्ता है, आप इसे बच्चों को मॉर्निंग में खिला सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है ये। इसी तरीके से बचे हुए बाकी नाश्ते को हम बना करके तैयार कर लेंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आप इस नाश्ते को टमाटो केचप के साथ या फिर हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये ऊपर से कुरकुरे और अंदर से एकदम सॉफ्ट बन करके रेडी होते हैं। ये देखिए दोनों साइड से कितने अच्छे से ये पके हुए हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं आपको एक तोड़ करके दिखाती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।